सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जीवन में एक बार जो फैसला कर लो तो फिर उसे मुड़कर मत देखना, तो फिर पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि पलट कर देखने वाले इतिहास नहीं बनाते। लाइफ अपने तरीके से जीकर तो देखिए, खुशियां खुद ब खुद तुम ही ढूंढते आएगी। जिंदगी में परिश्रम और प्रयास आखिरी सांस तक कीजिए, तभी सफलता मिलेगी। आज का पंचांग 27 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, सुबह 6:57 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर भाद्रपदा नामक नक्षत्र सुबह 9:24 तक रहेगी। इसके उपरांत रेवती नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:25 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:40 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। वृश्चिक राशि 27 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार, आज लोगों के द्वारा बोली जाने वाली बातों की वजह से नकारात्मकता और दुविधा बढ़ने लगेगी। अपने विचारों पर फोकस बनाए रखें, अपने निर्णयों पर सोच विचार करते रहें। आज के तय किए गए कामों पर भी ध्यान दें। काम से जुड़ी बातों में पारदर्शिता बनाए रखें। पार्टनर को एक दूसरे की बातों को आज समझना होगा। आध्यात्मिक मामले आपके दिमाग में भी हैं। आध्यात्मिक मामले अभी आपके दिमाग में हैं। आप कुछ जवाबों को ढूंढ रहे हैं और अपने सपने या अवचेतनाओं को खोज रहे हैं। बुजुर्गों को नजरअंदाज न करें, यह समझे कि स्वास्थ्य आपके और आपके शरीर के बीच का रिश्ता है। तर्क या मतभेद आपके रिश्ते को हानि पहुंचा सकते हैं। आपकी ऊर्जा के स्तर बढ़ने से आपको अपने हर क्षेत्र में सफलता होगी, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। सांसारिक कार्यों से ऊब सकते हैं। अपने सारे कामों को छोड़कर घूमने या किसी सैर करने जाने के लिए यह समय शुभ है। अगर आपने कोई सपना देखा है तो उसके पूरा होने से पहले पीछे न हटें, क्योंकि आप इसे कर सकते हैं। इस समय सितारों का साथ मिलेगा। जो काम पिछले काफी समय से रुके थे वह आज अल्प प्रयास से ही पूरे हो जाएंगे। राजनीतिक तथा सामाजिक गतिविधियों में भी आपका वर्चस्व रहेगा। विद्यार्थियों का पढ़ाई में ध्यान लगेगा। सावधानियां, किसी तरह का लेन देन करने की योजना है तो सावधानी बरतें, क्योंकि किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगर कोई सरकारी मामला अटका हुआ है तो किसी अनुभवी व्यक्ति से परामर्श लेना जरूरी है। सामाजिक व्यस्तता के साथ साथ पारिवारिक गतिविधियों पर भी ध्यान दें। बात करते हैं लव लाइफ की। किसी के साथ नजदीकियां बढ़ रही है और आप इस खूबसूरत रिश्ते को लेकर बेहद उत्साहित हैं। आने वाले समय में आपको रोमांटिक पल व यौन सुख प्राप्त होंगी। मन से हर तरह के भय को बाहर निकाल दें। धन खर्च करते समय सावधान रहें, क्योंकि घाटा हो सकता है। अपने पार्टनर के साथ फिल्म देखने, लॉन्ग ड्राइव पर जाने और आनंदित होने के लिए आज का समय सर्वश्रेष्ठ है। आज का समय आप दोनों के लिए रोमांटिक और गुलाबी है। साथी के साथ विवाद होने की संभावना भी है और बजट से जुड़ा होगा। अपने खर्चों को नियंत्रित करें और इसके लिए दोनों मिलकर प्रयास करें। बात करते हैं करियर की। आप उन लोगों में से हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी पर विश्वास नहीं रखते। दीर्घकालीन निवेश से भविष्य में आप लाभ पा सकते हैं। विनाश डर या भय का आपके जीवन में कोई महत्व नहीं रहता। और अपनी मेहनत का फल जल्द ही आपको मिलेगा। आज आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और कठिन कार्यों को पूरा करने के लिए तैयार रहेंगे। रोजाना एक ही काम करके आप बोर हो सकती हैं, लेकिन आज आपकी ऊर्जा हर चीज में जान डाल देगी। अपने निजी और व्यावसायिक जीवन को संतुलित बनाए रखें। याद रखें, एक मिनट की सफलता वर्षों की विफलता को मिटाकर रख देती है। बात करती हैं सेहत की। वर्तमान बदलती मौसम का प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ सकता है।
खांसी जुखाम बुखार हो सकती हैं, ख्याल रखें। बाहर ठंड में घूमने से बचें। बीपी से संबंधित भी समस्या हो सकती है। आज का उपाय, आज आप सफेद वस्तुओं का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।